जितने विषय होते हैं जो हाथ पाथ हल करने के होते हैं हाथ कर देते हैं, कुछ डिपार्टमेंट के हिसाब से हमको चंडीगढ़ भेजने होते चंडीगढ़ भेजते हैं, डी सी लेवल पर देते हैं। लेकिन मोटे रूप से आज 25-26 लोगों से जो बातचीत हुई है उनकी समस्या। आंगनबाड़ी में कोरोना ने जो काम किया उन्होंने बात रखी अपनी कुछ आपके सामने? देखिए उन्होंने अपना एक डिमांड लेटर दिया है, वो डिपार्टमेंट में दे देंगे और डिपार्टमेंट देने के बाद जैसा वहाँ बुला करके उनसे बातचीत करके करने के बाद अगर उनका कुछ बनता होगा तो मिलेगा, और अगर पहले से उनको दे दिया गया है क्योंकि तो मुझे लगता है कि पहले भी हमने पर्याप्त एक बार 3,000 रुपये एक साथ उनका बढ़ाया था, तो उस नाते से कोई हरियाणा में आंगनबाड़ी और चाहे हमारी आशा वर्कर है पूरे देश में सब लोगों से ज़्यादा पैसा मिला। जो अपनी ये कर्म लेख है इसका विकास करने के नाते इसको रिजोमिनेट करने के नाते से कुछ सुझाव समय समय पर आते थे, तो एक मोटा प्रारूप हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के सेक्रेटरी श्री एस एन राय और टूरिज़्म के हमारे सेक्रेटरी हैं डी सिन्हा, उनके साथ यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर के प्लान यहाँ का बनाया है, और उस प्लान में उसी का आज एक प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन था सारे उसका एक अच्छा मुझे लगता है टूरिज्म के नाते से ये लेख का शुल्क निकलेगा कि ये तीनों जो बिल बने हुए हैं इन तीनों बिलों में किसान का कोई नुकसान नहीं है बल्कि इनके इम्प्लीमेंटेशन के बाद किसान का लाभ ही होगा, और चूंकि अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं है हमने ये भी कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद किसी भी विषय को लेकर के किसान का नुकसान होता है तो हम हमेशा तैयार हैं उन चीज़ों को विड्रॉ करने के लिए। हमारे कहने से भी पहले केंद्र सरकार ने कह दिया कि आप इसमें बताइए क्या गलत है, जो आप बताएंगे गलत है उसको ठीक करने के लिए 24 घंटे हमेशा हम तैयार हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल एंगल को लेकर के एक पॉलिटिकल सपोर्ट को लेकर के जिस प्रकार से एक यानी भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ जुड़े सब लोग एक तरफ और बाकी सब लोग एक तरफ, ऐसे लोग जिनको तीनों कानूनों को पढ़ा नहीं है जिनको पता नहीं क्या लिखा हुआ है वो भी विरोध के अंदर शामिल होते हैं, तो इसका मतलब ये कि किसान का विषय नहीं है ये विषय, किसान नेता भी जो पॉलिटिकल एंगल से जुड़े हुए हैं वो इसको देखते हैं इस प्रकार से देखते हैं, आखिर नहीं तो अन्यथा क्या कारण है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार होता है, कौन सा ये लॉजिक इनके पास है कि हाँ इस पार्टी के लोग वो नहीं आएंगे बाकी पार्टी को लोग आते रहेंगे, इसका मतलब है कि लोकतंत्र पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इन लोगों ने खड़ा किया है, लोकतंत्र को चैलेंज दिया है, ये किसी भी कारण से न तो किसान हित में है न जनता के हित में है न किसी पार्टी के हित में है, कुल मिलाकर के मर्यादाओं को ध्यान रखना चाहिए, लोकतंत्र के ऊपर हमारा देश हमारी लोकतंत्र व्यवस्थाएं इनको मजबूत करना ये हर किसी का काम है।